द कश्मीर फाइल्स में अनुपम खेर के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की गई है। भूमिका कश्मीर में सच्चाई के बारे में है। वे कहते हैं, इसे एक कश्मीर पंडित के रूप में उनके दर्द का परिणाम बताते हैं और उनकी दुखद कहानियां सुनते हैं। खेर ने बताया, प्रेस, मैं अभिनय करता हूँ, मैं भूमिकाएं निभाता हूँ, लेकिन इस बार नहीं। कोशिश की गई या दंडित किया गया। फिल्म हर भारतीय की आत्मा के बारे में है। मैं पुष्कर हूँ, यह एक फिल्म नहीं है बल्कि एक अनसुना घाव है, खेर ने कहा। उन्होंने कहा कि फिल्म ने पहले कभी नहीं देखे गए सच का खुलासा किया। उनका किरदार पुष्कर नाथ फिल्म का दिल और आत्मा है। उन्होंने कहा, किसी ने भी कश्मीरी पंडितों का उल्लेख नहीं किया, किसी को भी उनके आघात के बारे में नहीं पता था। जब कोई और नहीं करेगा तो हैदराबाद के निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने कदम बढ़ाया। खेर ने झूठी सूचना फैलाने वालों को फटकार लगाई। कश्मीर के बारे में केरल कांग्रेस इकाई द्वारा अब हटाए गए ट्वीट्स पर आरोप लगाया गया है कि कश्मीरी पंडितों ने घाटी छोड़ दी है। तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन के नेता खेर ने कहा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी सभी कश्मीरी पंडित थे, जैसा कि राहुल गांधी हैं। कांग्रेस ने गलती की, यह असभ्य था। यह क्या मायने रखता है जब लोग फिल्म की सराहना करते हैं और गले लगाते हैं। लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। खेर साहब, आपकी फिल्म ने हमें हिला दिया। एक सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि 12-15 लोगों के कहने के बाद उन्होंने द कश्मीर फाइल्स देखी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, आखिरकार यही लक्ष्य है। अब सच सामने है।